गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ एल्किन की ही केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है हेलोजिनेशन। अब देखिए, हेलोजिनेशन जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हेलोजन का जुड़ना होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं हेलोजिनेशन, दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या होगा, हेलोजन जुड़ेगा। अब किस तरीके से जुड़ेगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हेलोजिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हेलोजिनेशन, ठीक है। तो ये जो हेलोजिनेशन है, यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, एल्केन से। अब होगा क्या यहाँ पर देखिए, कि मान लीजिए हमारे पास एल्केन है, तो कोई भी हमारे पास एल्केन, जैसे मैंने ले लिया मीथेन, अभी इसको हम रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए, ये जो यहाँ पर क्लोरीनेशन रिएक्शन है वो बहुत ही इजीली टेक प्लेस करती है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्लोरीन, और यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस होगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब हमारा एल्केन क्लोरीन के साथ यानी हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास हेलोजन है, जो क्लोरीन है, वो एक एक करके यहाँ से जो एल्केन है हमारे पास उसके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देता है। रिप्लेस करा देता है का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर CH4 है, तो ये जो क्लोरीन है वो क्या करेगा कि यहाँ से वन बाय वन एक एक हाइड्रोजन को हटा करके और उस जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो फाइनल जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, तो चार हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे और चार हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार क्लोरीन के एटम्स आ जाएंगे। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे हमें CCl4। यानी मैं अभी आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, बट इस तरीके से नहीं, ये रिएक्शन स्टेप्स में होती है। तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है वो आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती कैसे, ये तो मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया है कि ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, CCl4 मिलता है। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अब रिएक्शन प्रोसीड किस तरीके से करती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन स्टेप्स में होती है और इसकी मैकेनिज्म जब हम खोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन का एक एक पॉइंट हमें समझ में आएगा कि यहाँ देखिए, ये जो रिएक्शन है अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो इसकी मैकेनिज्म भी 3 स्टेप्स में होती है। चेन इनिशिएशन स्टेप, उसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन है उसके फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल कैसे बनेंगे, जब इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। सेकेंड स्टेप होता है हमारा चेन प्रोपेगेशन स्टेप, उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्री रेडिकल है वो एल्केन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि वो उसका सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप होता है इसका चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं वो है इसके मैकेनिज्म के। तो जब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करूंगी आपके साथ, तब मैं आपको सारे जो स्टेप्स हैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ इसकी रिएक्शन किस स्टेप में होती है और किस तरीके से होती है। इसकी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हेलोजिनेशन जो होता है एल्केन का वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हेलोजिनेशन में, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल CH4, ये होता है हमारा मीथेन यानी कि एल्केन। जब ये रिएक्ट करता है क्लोरीन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं हम फ्री रेडिकल इनिशिएटेड चेन रिएक्शन। यानी यहाँ पर फ्री रेडिकल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज होता है तब। लेकिन अभी आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि किस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज होता है, किस तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, वो चीज़ें हम इसके मैकेनिज्म में डिटेल में समझ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारे पास एल्केन है, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एल्केन है, जो हमारा मीथेन है, उसका एक हाइड्रोजन और इसका एक CN वो बाहर निकलते, तो हमारे पास बाहर क्या निकलता है, HCl। ये तो बाहर निकल गया HCl, बचा क्या, CH3Cl, हमारे पास ये बचा CH3Cl। अब क्या हुआ, फिर से ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। अब देखिए, ये कब तक रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, ये जब तक रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ जब तक कि यहाँ से हाइड्रोजन के एटम सारे खत्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा ये CH3Cl, अब ये जो CH3Cl बचा है ये फिर रिएक्ट करेगा, देखिए CH3Cl
सीएल बचा, ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, फिर से यहाँ से एच सी एल निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और एक सी एल, तो माइनस एच सी एल फिर से निकल जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, सी एच टू सी एल और एक सी एल ये जुड़ेगा, तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सी एच टू सी एल टू। पर रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगी, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी क्योंकि अभी हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स बचे हैं। अब ये क्या बचा है, सी एच टू सी एल टू, ये फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोराइड यानी एच सी एल निकलेगा। अब एक एच सी एल यहाँ से, एक हाइड्रोजन निकला, एक यहाँ से क्लोरीन निकला, क्या बचा, सी एच सी एल थ्री, सी एच सी एल थ्री बचा कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी एच सी एल थ्री। अब ये जो सी एच सी एल थ्री है अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो अब ये जो सी एच सी एल थ्री है वो फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, फिर से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकलेगा, तो फिर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, सी सी एल फोर, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, सी सी एल थ्री होता और एक क्लोरीन ये वाला आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, सी सी एल फोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन देते हैं हमारे एल्केन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, हेलोजिनेशन। और इसकी मैकेनिज्म जो है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैकेनिज्म में एक एक स्टेप को ओपन करके समझाया गया है कि किस तरीके से यहाँ से, जैसे मैंने बोल दिया ये सी एच थ्री, यहाँ पे हमारा जो सी एच फोर है ये सी एल टू के साथ रिएक्ट किया, सनलाइट के प्रेजेंस में सी एच थ्री सी एल बन गया और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया। तो अब ऐसे डायरेक्ट मैंने बोल दिया, लेकिन जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमारे पास प्रूफ के साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेप हुआ है कि सबसे पहले जो क्लोरीन है उसमें क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों उनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज जब भी होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, यानी इस तरीके से आएगा। और ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल फिर इसके साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ से। तो ये इसकी मैकेनिज्म में हम समझेंगे कि किस तरीके से एक एक स्टेप यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से क्लीवेज हुआ है और जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है उसने अटैक किया है और हमें सी सी एल फोर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो है एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हेलोजिनेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।